सीएनजी फुल है ना। खाना है तो आजा, 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 आजा। नहीं प्रकाश। देखो ज्योति, इस समय बहुत गुस्से में, छोड़ दो मेरे सामने से, हट जाओ, मैं छोड़ूंगा इसे। सर यहाँ घोड़ा नाम का कोई प्राणी है? अबे घोड़े का मुकाबला गधा क्या करेगा? मुकाबला करना है तो मुझसे कर। आजा, 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 आजा। समझने की कोशिश करो ना, तुमने कब जीत लिया है? ये टूर्नामेंट ही तुम्हारा है, तुम्हारी कसम। ओके, तो और किसी को दांत निकलवाना है तो आ जाओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ दांत निकालने के लिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा ही नाम घोड़ा है, तुम कौन हो? मैं रवि तेजा, फोन पे मुझसे बात की थी ना, कब से फोन कर रहा हूँ, उठाता क्यों नहीं? कैसे उठाता, आजकल भाई का बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो शुरू हो गया है, फिटनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो जो सबको धो रहा है कौन है वो? हमारे बॉस प्रकाश राज। डॉन प्रकाश राज, तो बच्चों वाली हरकत क्यों कर रहे हैं? टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। एक्सप्लेन। वही गजने वाला प्रॉब्लम। फुल स्टोरी बता। कंबोडिया बॉर्डर पे पुलिस चेस हो रही थी, भाई आगे आगे जा रहे थे और पुलिस पीछे पीछे आ रही थी, अचानक बाइक फिसल गई और भाई के घुटने का ढक्कन खुल गया। डॉक्टर ने सॉलिड ढक्कन लगाया, वो भी पतरे का। घुटना डैमेज हुआ, इसका माइंड से क्या कनेक्शन? तुम भी मेरे से कैसे सवाल पूछ रहे हो यार, उस वक्त भाई की अकल घुटने में ही थी। लगता है ये प्रॉब्लम तेरे को भी है। पहले इंस्पेक्टर को यहाँ लाने के लिए कहा, फिर उसी को मारने की कोशिश क्यों की? अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, सब भाई के मूड के ऊपर है। परसों कहा डील करो, कल अचानक बोला किल कर दो। मैं तो बॉस के हुक्म का गुलाम हूँ, वैसे मैं नई नौकरी के तलाश में हूँ। अबे उजड़े चमन, तू कहीं भी जाएगा तेरा कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से मैटर सेटल कर, वापस जाना है, क्या समझा? उनको याद आते ही मैं तुमको कॉल कर दूंगा, तुम जाओ। थोड़ा टाइम लगेगा, आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं है ना, आप इंडिया जाइए, मैं सब पटा के आता हूँ। अब बत्ती जली, मैं समझ गया तुम्हारी पूरी स्कीम, समझ गया तू उससे मिलकर मुझे मरवाई देगा। अरे तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलने वाला है, बताओ मुझे बताओ। गटर जैसा मुंह बंद कर, मेरी कार निकाल। फेरारी या बीएमडब्ल्यू, मैं सिर्फ साइकिल दिला सकता हूँ, दिलाऊ? मुझे शक नहीं, यकीन हो गया तू अकेले ही सारा पैसा हजम करना चाहता है, इसीलिए उस दिन ब्रिज पर मेरी टांग पर जानलेवा हमला करवाया। अपने आप को शाणा कौवा समझता है तू? कौवा तो नहीं पर देर शाणा जरूर हूँ। अरे तू तो मेरा साइन किया हुआ ब्लैंक चेक है, तुझे कैसे फाड़ सकता हूँ? ये सारा नाटक मेरी कार को लेकर हो रहा है ना, कुन मैलो चक 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 तुम्हें कुनवान। अरे ये क्या छलनी की तरह छन छन किए जा रही है, बम बम करना बंद कर, डोंट टॉक। तू चल मेरे साथ। अरे अरे तेरे से प्राइवेट बात करनी है, चल ना, जो बताऊंगा किसी को बताना नहीं है। क्या लड़की की तरह शर्मा रही है, वो तो साला ठहरा बाहर वाला, हम क्यों लड़ रहे हैं, कल को हमें साथ में रहना है ना। तुम्हारी ऐसी बातों से मेरा दिल टूटता है ना, ऊपर से नीचे सुलग जाता हूँ, तुम्हारी कमर पकड़ने का दिल करता है। ए, ये क्या चुहा मीटिंग चल रही है? इस फालतू की वजह से तुमसे मुलाकात हुई है इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, अगर इसने कुछ भी बोला ना तो इसकी दूसरी टांग तोड़ूंगा। डार्लिंग एक बार तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए तो सब सेट, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, चार ठीक रहेंगे। आईने में कभी शक्ल देखी है? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? आईने से बात कही ना तुम्हें? इसकी माँ का बहुत बोलती है। मीठी है, बहुत अच्छी लिपस्टिक लगाती हो, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम्हारी लिपस्टिक किसी ब्रांडेड कंपनी की है या मुसाफिर खाने से लाती हो। तुम्हें अगर एतराज ना हो तो फिर एक बार चेक करो, तुम भी कर सकती हो। लक्ष्मी आपने भी वही देखा ना, उसकी किस कितनी जबरदस्त थी। स्वामी ये जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती है, और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बुरी बात तो सब जानते हैं लक्ष्मी, पर उस पे अमल कोई नहीं करता, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कहाँ हो माँ, दर्शन दो माँ। कौन है स्वामी? और कौन लक्ष्मी, आपका भक्त गोली उसकी तपस्या बंदूक की गोली हो गई है। छप्पड़ फाड़ के देने वाली माँ लक्ष्मी, दर्शन दो मुझे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वामी आज तो ये घनघोर तपस्या कर रहा है। लिफ्ट करा दे, सबको लिफ्ट कराने वाली। स्वामी इससे तो अब डर लग रहा है, ये आओ आओ करके जबरदस्ती बुला रहा है। ये कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, थोड़ा डाउन करता हूँ। डॉलर बात बांटने वाली मुझे भी दो, सब पे धन जुटाने वाली प्रकट हो, आओ माँ दर्शन दो। वो
होठों की पॉलिश करने वाली, मेरे ऊपर बरस जाओ। माँ लक्ष्मी सामने आओ, मेरा बैलेंस बनाओ। स्वामी, उस दरवाजे पर आप ही हैं ना स्वामी? गलत जवाब, वो मेरा जेरोक्स कॉपी ब्रह्मानंद है। जय माँ लक्ष्मी, सामने आओ, खजाना खोल दो अपना। हे माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, फाड़ दो मेरा छप्पर। ये माँ लक्ष्मी। ए, कौन है बे तू? मेरी तपस्या भंग कर दी। कौन है सर अब? चल बाहर। क्यों रे, तू मेरी वाइफ को क्यों बुला रहा है? आपकी वाइफ को मैं क्यों बुलाऊंगा सर? तो गला फाड़ के लक्ष्मी क्यों चिल्ला रहा है? आपको गलत फहमी हो गई सर, मैं आपकी लक्ष्मी को नहीं, मैं तो महालक्ष्मी को बुला रहा हूँ। झूठ बोला तो लाफा खाएगा। एक मिनट सर, आप इधर रहते हो कि उधर रहते हो? ना इधर ना उधर, मैं ऊपर से आया। ऊपर? लेकिन ऊपर का माला तो खाली है। यहाँ पे तुम्हारे पास खोली है, ऊपर मेरे पास बंगलो है, मैं खुद बिल्डर हूँ। आज के बाद अगर लेडीज लोगों को डिस्टर्ब किया तो वो हाल करूंगा कि पूजा क्या तो दूजा भी नहीं कर पाएगा। लक्ष्मी को कोई ऐसे बुलाता है? दर्शन दो, खजाना दो, ये कौन सी पूजा है? अबे, अगर मैंने कभी गलती से तुम्हारी घंटी का साउंड सुना, या अगरबत्ती का धुआं देखा, या माचिस की तीली जलने की आवाज भी सुनी, तो तेरी मैं इड़ा कहेगा। हे माँ, कैसी तेरी लीला, मार मार के बना दिया काला पीला। बिना मेकअप के भी कितनी अच्छी लग रही है रे, इसे किसी की नजर ना लगे। अबे तेरा फोन बज रहा है, बहरा हो गया क्या? उठा, नहीं तो बेच दे। उठा रहा हूँ। ये घोड़ा तेरे बॉस के सर्किट में करंट लगा क्या है? सांप सूंघ गया क्या? ओके ओके, बीच में क्यों बोल रहा है? सब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? मुझे घोड़े ने अकेले बुलाया। तुम जाओ, मुझे इस पर शक है। मुझे तुम दोनों पर शक हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम्हें शक है? शक दूर करूं तो चलना, चल आज तेरे सारे शक दूर करता हूँ। हाथ मत लगाना। क्या कर लेगी? जूता दिखाओ। तो क्या होगा? जूता मारो। फिर मैं मारूंगा। उसे पता भी है करोड़ में कितने जीरो होते? समझता क्या है अपने आप को? मेरे पास नोट छापने की मशीन है क्या? 1 करोड़ चाहिए उसे। तू बीच से हट जा, तेरे से नहीं होगा, मैं सैंडी को बेल पे खुद छुड़वा लूंगा। सैंडी अरेस्ट नहीं हुआ है, जेल में भी उसे 5 स्टार की फैसिलिटीज है। तो क्या मतलब है इसका, 1 करोड़ दे दूं क्या? मैंने समझाया था उसे, 1 करोड़ से सर भड़क जाएंगे, लेकिन उसे करोड़पति बनना है। दारू के नशे में सैंडी आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है। उसने कहा आपका माल थाईलैंड में नहीं उतर रहा, मुंबई के गेटवे पे उतरने वाला है। आपके माल की कीमत तो आप ही जानते हैं, मुझे क्या पता। उस माल के आगे 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं ना, आप तो कुबेर की खान हो सरकार, टिप समझकर दे दीजिए ना उसे। वो कौन है बे? मैंने तुम्हें कहीं देखा है? बिल्कुल मेरी छोटी बहन लग रही हो, जैसे मुझे मेरी खोई हुई बहन मिल गई हो। छोटी बहना, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी तुम। तुम्हारा नाम क्या है? इलियाना। हाथ हटा लीजिए, नहाई नहीं है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे नहाया तो मैं भी नहीं हूँ। आजा बहना। जाने दीजिए ना सर, इसके साथ मेरा लफड़ा चल रहा है। लफड़ा मतलब? अरे इस भैये को बोल मैं ही तेरा सैया हूँ। इधर फोकस करो बहना, इधर फोकस करो। हमारे साथ चलोगी ना? नहीं चलूंगी। ये तो डांटती है। गुस्सा मत होइए सर, अभी अभी आप भाई बहन हुए हैं, ये इतनी जल्दी आपको प्यारे भैया 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 करके कैसे पुकारेगी? थोड़ा टाइम लगेगा ना। आप जल्दी से 1 करोड़ का बंदोबस्त कीजिए, आपकी बहन राखी का बंदोबस्त करेगी। हाँ। उसे कुछ देना तो पड़ेगा ना, तब तक मैं आपकी बहन को लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने लेकर जाता हूँ। मिलेंगे ब्रेक के बाद सर। आओ, शॉपिंग करनी है, फिल्म देखनी है। बहना, छोटी बहना, ये क्या तमाशा है? उसका मेमोरी कार्ड क्रैश हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरा क्यों हो जाएगा? अरे क्योंकि तुम्हारा ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है, कब किसका वायरस तुम्हारे चिप पर अटैक कर देगा पता नहीं चलेगा। दूर हट, नाटक मत कर। चलना, मैं तुझे बैंकॉक का रानी बाग दिखाता हूँ। वहाँ पे शेर है ना खुले में घूमते, जिनको छूने से कुछ नहीं होता है, फोटो खींचाएंगे। चलना। डार्लिंग, आखिर तुम अपने लिए कुछ लेते क्यों नहीं? एक बात कहूँ, तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों? तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब इमोशनल होते हो।
मैं बचपन से इमोशनल हूँ, आंसुओं को रोक नहीं पाता। जब भी मेरे आसपास कोई प्यास काटता है, आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। बहना माँ लक्ष्मी, ऐसे वैसे को दिया है तुमने, सारे पैसे कैसे कैसे को दिया है, लेकिन मुझ में ऐसी क्या कमी है मम्मी? आखिर मैंने क्या पाप किया है? आज तुमको चमत्कार दिखाना होगा, हीरे जवाहरात से भर के एक पोटला मेरी खोपड़ी बचाकर तुम्हें फेंकना होगा माँ। बेचारा, उसकी भी बातें बिल्कुल सही हैं स्वामी, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, वो हमेशा मेरी पूजा करता है, आज के दिन मैं उसकी लॉटरी खुलवाने वाली हूँ। इम्पॉसिबल लक्ष्मी, गरीबों के देवता मिथुन का इस पर साया है, अगर आमिर भी जाए तो ये आमिर नहीं हो सकता। आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, ये पोटला मैं उसके रास्ते में डालने वाली हूँ। मैं डालता तो सर पे डालता। इसकी तो बत्ती गुल हो गई है, अगर मेरी भी बत्ती कभी गुल हो गई तो मुझे भी इसी की तरह चलना पड़ेगा, क्यों ना आज ही प्रैक्टिस कर लूं। देखा, इतना अंधेरा क्यों है भाई, अंधे को भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, इस लाचार को रोड क्रॉस करा दो। अरे बाबा, चलना ही मुश्किल हो रहा था, बत्ती सी टूटे टूटे बच गई। अच्छा हुआ कि मेरी आंखें हैं, थैंक यू गॉड, तुमने मेरी दोनों हेडलाइट जला रखी है। मैंने तुमसे बड़ा उल्लू जिंदगी में नहीं देखा। शीशा नहीं देखा, तू सचमुच अंधा हो गया है। क्या 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 क्या, जरा पीछे मुड़ के तो देखो कि पैर किस पे रखा था। आगे बढ़ गया था, पीछे मुड़ के नहीं देखता। क्यों रे, अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं और मेरी गर्दन अकड़ गई तो? और मैं वैसे भी देश का नौजवान हूँ, और जवान दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते। मैं तेरा दुश्मन? ए, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? हा, 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 हा। तेरा बुरा वक्त तुझे मार रहा है तो क्यों ना मैं भी मारूं? मेरे अंदर के सोए हुए कीड़े को मत जगाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोल कर सुनो, अपना पोटला उठाओ और चलते बनो, वरना तुम्हारे गाल पर मैं ताली बजाऊंगा। Get lost, bloody old fellow। इसी बना के मैंने लाइफ में सबसे बड़ी भूल की हो।